अपनी बेटी की शादी के लिए ज्ञान निषाद ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन बदनसीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। ज्ञान के करीबी ने सिर्फ उसकी जान ही नहीं ली बल्कि भरोसे का भी कत्ल कर दिया। ज्ञान अब इस दुनिया में नहीं है। बेटी के हाथ पीले करने की उसकी हसरत भी अधूरी रह गई। मिली जानकारी के मुताबिक ज्ञान की इकलौती बेटी अंकुरा की शादी 25 मई को होनी है। पिता बेटी की शादी के लिए ही हिमाचल प्रदेश से गांव आए थे, पर किसे पता था कि जिसकी मदद की वही उनकी जिंदगी उजाड़ देगा। वह जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी जिसके इंतजार में थे उसे ही नहीं देख पाए। घर वाले दहाड़े मार कर रो रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि जिस बेटी की शादी के लिए परिवार से दूर हिमाचल प्रदेश में जाकर ज्ञान निषाद ने जिंदगी बिताई, जिसके लिए इतनी तैयारियां की थी, वही नहीं देख पाए। उधर बेटी भी पिता की मौत के बाद से बदहवास है। बांसगांव थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में पुराने विवाद की रंजिश में ज्ञान निषाद 48 वर्ष की फावड़े से प्रहार कर हत्या कर दी गई। बुधवार देर रात फावड़े के हमले में घायल ज्ञान की बृहस्पतिवार तड़के मौत हो गई। आरोपी घर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने मृतक के बेटे जोगेंद्र की तहरीर पर आकाश निषाद, राहुल निषाद, भीम निषाद और उसकी पत्नी गुजरात देवी पर घर में घुसकर मारपीट और हत्या की धारा में केस दर्ज किया है। मौके से पुलिस ने भीम और उसकी पत्नी को गिरफ्तार भी कर लिया है। फरार मुख्य आरोपी सहित दो की तलाश में पुलिस टीम लगी है। उधर गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक हरिहरपुर केवटान टोला निवासी आकाश निषाद व ज्ञान निषाद हिमाचल प्रदेश में रहकर कमाते थे। एक प्राइवेट कंपनी में काम करते और किराए पर कमरा लेकर साथ रहते थे। इसी बीच ज्ञान ने हिमाचल प्रदेश में मकान ले लिया। इसी मकान में आकाश का भाई रहने लगा। आरोप है कि किराए को लेकर आकाश और ज्ञान के बीच विवाद हो गया। ज्ञान ने अपना मकान खाली करा दिया, इससे विवाद और बढ़ गया। एक सप्ताह पहले ही ज्ञान गोरखपुर आ गया था। इसकी सूचना पर आकाश भी आ गया। आरोप है कि बुधवार देर रात इसी रंजिश में एक बार फिर दोनों में कहासुनी हो गई। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि आकाश ने फावड़े से ज्ञान निषाद के पैर पर प्रहार कर दिया, जिससे उनका पैर कट गया। परिजन तत्काल उसे एम्बुलेंस से लेकर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र, फिर वहां से जिला अस्पताल गए। हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बृहस्पतिवार सुबह करीब 3 बजे ज्ञान निषाद की मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक ज्ञान के शरीर से रक्तस्राव ज्यादा हो गया था। ज्ञान निषाद 2 लड़के और 1 लड़की के पिता थे। अमरेश 21 और जोगिंदर 19 घर पर ही रहते हैं। बेटी अंकुरा निषाद की शादी तय है। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि मकान खाली कराने को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर दिया गया है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसकी पहचान आकाश निषाद पुत्र भीम निषाद निवासी ग्राम हरिहर टोला केवटान थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, दूसरा भीम निषाद का पुत्र बाल आबचारी है के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त एक कुल्हाड़ी बरामद की गई है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बांसगांव थाना प्रभारी विवेक मलिक, उप निरीक्षक अखिलेश कुमार तिवारी, सुनील कुमार, कांस्टेबल मोहित सिंह, मोहम्मद सद्दाम, चंदन खरवार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, अभी 2 दिन पहले थाना बास गांव में एक व्यक्ति की हत्या की घटना हुई थी, जिसमें कुल्हाड़ी से मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। उसमें से 2 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके थे,
दो अभियुक्त शेष थे जिनकी आज बासगांव पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक अभियुक्त नाबालिग है जो जुवेनाइल कोर्ट में प्रस्तुत होगा। दूसरा अभियुक्त बालिग है, रेगुलर कोर्ट में उसे प्रस्तुत किया जाएगा। घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई है। इस घटना के चारों अभियुक्त अब माननीय न्यायालय के आदेश से साक्ष्यों के पीछे होंगे। शेष साक्ष्य संकलन पूरा करके अतिशीघ्र इसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित कर दिया जाएगा। विवाद बता रहे हैं कि ये अभियुक्त और वादी दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं, एक ही बिरादरी के हैं। हिमाचल में एक जगह ही ये लोग काम करते थे। मृतक का कोई मकान था जिसमें अभियुक्त पक्ष का भाई किराए पर रहता था। किन्हीं कारणों से इन्होंने उससे वो मकान अपना वहाँ हिमाचल प्रदेश में खाली करा लिया। जब ये मृतक हिमाचल से गांव आया तो उसके भाई ने अपने घर वालों को बताया फ़ोन करके कि इन्होंने हमसे यहाँ मकान खाली करा लिया है और अब गांव की तरफ गए हैं। उसी बात को लेकर के ये लोग उनके यहाँ गए और पूछाताछी में ही कुल्हाड़ी से इस तरह से वार कर दिया जिससे कि उनकी हत्या हो गई, जिसके आधार पर 302 IPC का अभियोग पंजीकृत हुआ था और उसमें सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब कर ली गई।